सब्सक्राइब टू बिजनेस ऑफ सिनेमा, क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। वाला और थोड़ा सा अलग है, 25 साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में आपको पहला नेशनल अवार्ड मिला, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ट्विटर पे, फेसबुक पे, और आपसे बात भी की होगी, लेकिन स्लाइटली एक चर्चा भी इस पर हुई आपको अवार्ड मिलने पर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे उस पर? ये ऐसा है कि मैं 25 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई जीतता है उस पर हमेशा चर्चा होती है, तो मेरे लिए कोई नई नहीं बात हुई, हमेशा ही कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, इसको नहीं मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था। अरे भैया ठीक है, मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लोगे तो मन है तो। भाई इसी के साथ अक्षय एक सवाल, अक्षय जी लोग बोलते रहे और आपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस दे दिया, लोग चिल्लाते रहे आपने सैनिकों के लिए काम कर दिया, और अब ये पद्म विभूषण के लिए बधाई देने हम कब आए आपको? फॉर मी इट इज इम्पॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ये सोच के नहीं है कि पद्म भूषण मिले या कुछ ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं, ये सब बड़े लोगों के लिए होती हैं, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना होता है, इसके लिए बहुत काम कर दिखाओ जिंदगी में कि लोग वाकई में बिलीव करें कि आपको यू शुड गेट इट। ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, ये तो मेरे सब स्टंट भाइयों के लिए हैं जो हमने किया है, बल्कि मैं तो बोलूँगा सच्ची कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जब वो लोग इंश्योरेंस वाले लिख रहे थे कि अगर जान चली जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, मैं नहीं मानता 10 लाख, मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि 1 करोड़ तक जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो लेकिन आज नहीं अगले साल से ही, अगले नहीं तो अगले से, अगले टू अगले साल से ही, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो इस चीज को बढ़ाते रहेंगे, एंड दैट इज द होल आइडिया फॉर इट। हाय एवरीबॉडी, आई एम शाहरुख खान, वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofcinema।